हमारी है तो आज हमारी एडवांस सेक्शन की दूसरी क्लास है। और जैसे कि हमने बताया था लास्ट क्लासेस में, जब हमने आर्किटेक्चर से ये समझाया था कि किस तरीके से हम डॉलर साइन वगैरह यूज करते हैं, तो हम फाइल मेनू बार से स्टार्ट करते हैं। तो फाइल मेनू बार में आप चलेंगे तो आपके सामने एक तो होम आता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। न्यू में आप देखेंगे कुछ खास है, जनरली हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो बेसिकली न्यू में आप आएंगे तो आप जनरली हम लोग ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। तो ब्लैंक वर्कबुक के अलावा भी हमारे पास जो है बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अभी आज अभी फाइल मेनू का बोल रहे ना आपने? हाँ, फाइल मेनू में ही तो है अभी। जी जी हाँ, नहीं वो तो न्यू में क्या आता है कि एक ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद नीचे बहुत सारे फाइल्स दिखेंगे। ये फाइल्स टेम्पलेट कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना बनाया एक टेम्पलेट दिया हुआ है। ओके ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना बनाया टेम्पलेट दिया है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? ठीक है, ओके। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इनवाइस का फॉर्मेट बनाना है, बिल। अब बिल का फॉर्मेट मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। जब बनाया तो मुझे इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। ठीक है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मान लीजिए। ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे तो इस पे ढूंढे नहीं मिला, तो आपको बस यहां पे करना है बिल। या इनवाइस, अब आपके सामने बहुत सारे इनवाइस का फॉर्मेट है। अब जो इनवाइस का फॉर्मेट आपके अकॉर्डिंग है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। अब इसका फॉर्मेट बना हुआ है, अब इसकी डिटेल्स कंपनी का नेम, स्लोगन, डेट, एड्रेस, बिल रेट चेंज कर लीजिए, ये आपका काम का हो गया। क्या ऐसे मान लीजिए आपको एक बजट रिपोर्ट, आपको एक बजट रिपोर्ट बनानी है, बट आपका बैकग्राउंड, जैसे मेरे जैसा आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स से नहीं है, तो बजट रिपोर्ट के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, या बैलेंस शीट के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या होता है, क्या क्या बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या टर्म होते हैं। लेकिन आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया कि एक जनरली बैलेंस शीट मुझे भी मिला था। और जब मेरी बेसिकली जब मैंने ESIPF की रजिस्ट्रेशन करवाई थी और क्या बोलते हैं GST सर्विस टैक्स वगैरह की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो मुझसे बोला गया कि आप मुझे इस साल का बैलेंस शीट दो। अब मैंने बोला यार बैलेंस शीट तो कोई बनाता नहीं, क्योंकि सिंगल हैंडल हमारा ऑफिस है, सिर्फ मैं ही हूँ इसमें। क्या रजिस्ट्रेशन हमने कहा इसलिए ताकि लीगल हो जाए, ताकि हमें पेमेंट गेटवे वगैरह मिले, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे तो किसी और को नहीं मिलेगा। तो अब बैलेंस शीट मुझे पता नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ सर्च किया, बोला कि सिंपल बैलेंस शीट दे दो, बस डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए। तो हमने बैलेंस शीट कैसे बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट सर्च किया और मेरे पास एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो भी ऑटोमेटिक शीट आ गया। अब इसको इसमें जैसे आपको असेस्ट, जो भी आपकी असेस्ट है कि आपके पास कैश कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, अकाउंट में अकाउंट डिसेबल कितना है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, ठीक है, और इसी तरह से प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट कितना है ये आप डाल दीजिए, फिर लायबिलिटी को देना किस किस को है वो आप डाल दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे
अब इसमें किसी कैटेगरी भी है, इतना कैटेगरी दिया गया, इसके अलावा कोई कैटेगरी है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें डाल दीजिए, बैलेंस शीट अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया असिस्ट में, मान लीजिए कि मुझे अदर असिस्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया 800, तो आप समरी में देखेंगे मेरा असिस्ट बढ़ गया, 500 हो गया ना, माइनस में दिया हुआ। ठीक है, इसमें आ गया ना असिस्ट में, प्लस 800 करता हूं तो क्या होता, 800 आ गया। ठीक है, ओके टोटल असेस्ट हमारा 500 है प्रीवियस ईयर का और 1300 है इस ईयर का, टोटल लाइबिलिटीज जो है हमारे पास 700 है, 650 रुपया मेरा अर्निंग बैलेंस है, ये माइनस में दिया हुआ है, इसको प्लस में कर दीजिए तो और बढ़ जाएगा। पिछले ईयर में हमारे पास 200 था, इस ईयर में मेरे पास 2 ईयर का कंपेयरिंग दिख गया, हमें कुछ करने क्या सर, ओके ये अपने आप आ गया। ठीक जी तरह के टैंपलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ओके आता है कि खुद के टैंपलेट कैसे बनाए, तो टैंपलेट हम डाल लेते हैं, लेकिन टैंपलेट आखिर होता क्या है और हम क्या खुद के टैंपलेट भी बना सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है। जी जरूर, टेम्पलेट होता है क्या है कि बड़े बड़े फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आप फोटो स्टेट करते हैं ना, उस तरह के फोटो स्टेटेबल आपके टेम्पलेट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, ये हो गया हमारा, अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए मुझे ये, आप लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप कल की रिपोर्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, कल की रिपोर्ट को आप ओपन करते हैं, सेव एज करते हैं आज के नेम से, पिछली रिपोर्ट को जो होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं और फिर नया रिपोर्ट डालते हैं। तो सेव एज करते हैं ताकि मुझे रिपोर्ट का फॉर्मेट दिख जाए, तो हर बार ये करना पड़ता है। तो चलिए आपके सामने एक ऐसी छोटी सी रिपोर्ट की फॉर्मेट तैयार करता हूं और टेम्पलेट्स का बेनिफिट समझाता हूं। डेली कैश ठीक है, यहाँ पे दे का फॉर्म बना देता हूँ, सीरियल नंबर पार्टिकुलर्स, क्लासेस की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से अंडरलाइन दे देते हैं। ठीक है, और
लेआउट से जाता हूँ, जो ग्रीन लाइन है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे क्या है कि इफ इसमें मैं डेटा डाल दूंगा तो हर बार मुझे इस तरह से ब्लैंक चाहिए ताकि मैं अपनी डेटा डाल सकूँ। तो अगर इसमें डेटा डल जाएगा जैसे कि डेट डाल दिया और बाकी चीज डाल दिया तो आपको डिलीट करने पड़ेंगे ना इसको। तो मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा ना हो, मुझे ब्लैंक हर बार मिले। तो इस फाइल को मैं सेव एज किसी लोकेशन पे जैसे मैं डेस्कटॉप पे ही एज ए टेम्पलेट कर देता हूँ, मतलब कि एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है। और इसका नाम मैं देता हूँ कैश। ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसको बंद करता हूं, अब यहां पे देखेंगे कि आपके पास एक कैश नाम की फाइल आ जाएगी। इसका इसका आइकन देखना है कि आइकन अलग है ना इसका आइकन से। और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे जैसे बुक वन होता है ऐसे यहाँ पे कैश वन खुल गया। कैश वन मैं दोबारा खोलूंगा तो कैश टू कैश थ्री, जैसे बुक वन बुक टू बुक थ्री होता है ना उस तरह से। हर बार ब्लैंक होगा ऐसे कुछ भी। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो जैसे इसको कंट्रोल एस करूंगा सेव नहीं सेव एज होगा, जैसे कि बुक वन को सेव करते तो सेव एज होता है। इसकी बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके। दूसरी चीज एक चीज और होती है, जैसे कि आप किसी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप उस फाइल पे कर्सर रखेंगे, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं समरी में। डिटेल्स में जाके तो डिटेल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ऑथर आईबीडी स्कूल है। अब मैं यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ न्यू टैग कर्सर जाते पता चल जाता है, पता नहीं क्यों पता नहीं चल रहा है। इसमें कर्सर जाता है आपको पता चल जाएगा सर। इसमें हमारे इस विंडो में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आप अपने विंडो में चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टाइटल भी दिख जाता है। ओके। टाइटल से फर्क क्या पड़ता है मेरे? टाइटल से पता चल जाता है ना कि अब इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो पता चलेगा। न्यू बीजी से कुछ पता नहीं चल रहा है नाम में क्या है, जब तक इसको ओपन नहीं करूंगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन कर्सर या मुझे अगर डिटेल्स में दिख जाए कि न्यू बैकग्राउंड पिक्चर, तो समझ में आ जाए कि हाँ इसका न्यू बैकग्राउंड पिक्चर है। तो कल विंडो अपडेट किया हो सर, इसका अंदर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, वरना कर्सर टाइटल था। टाइटल रखने की जरूरत क्यों होती है अपने को वो कुछ? देखिए सर होता क्या है कि आपके पास अब मान लीजिए 6 महीने बाद सर होता है आप कुछ फाइल को ढूंढ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आपका फाइल का नाम क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो आप उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके डिटेल में डाल दीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे उस पर कर्सर लेके जाएंगे आप उसकी डिटेल्स लिख जाएंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी फाइल में है क्या। हर फाइल अच्छा ये तो ओपनिंग फाइल अंदाजा होता है क्या रहेगा उसमें। मैं एक काम करता हूँ जो आरआईपीटी डिप्ट है ना, मैं इसमें जाता हूँ डिटेल में, मैं इसका टैग में डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ डैशबोर्ड। टैग क्या होता है पता आपको? कीवर्ड्स होते हैं। हमने ऐसे 3-4 कीवर्ड्स डाल दिए। अब मैं करूंगा मान लीजिए मैं सर्च करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं चार्ट्स, तो आ गया सर।
क्यों आया? क्योंकि इसका टाइमिंग टैक्स चार्ट बना हुआ है, समझे? में लिखा हुआ है। ओके टैग प्रॉपर्टी में, टैग में जा में हमने बोल दिया कि हम इसको इसी टैग से जान सकते, खोज सकते हैं। जैसे गूगल जाते हैं तो आप एडवांस एक्सेल सर्च किए, एक्सेल कोड सर्च किए होंगे, एडवांस एक्सेल कोड सर्च किए होंगे, वीवीएम एक्सेल कोड सर्च किए होंगे, एक्सेल क्लासेस सर्च होंगे ना। वेबसाइट यूजर क्या करता है कि अपने टैग में और उसकी वेबसाइट को किस किस नाम से सर्च किया जा सकता है उसकी टैगलाइन दे देता है। ओके जब सर्च होता है तो मैच होता है, जब मैच हुआ यहाँ पर देखिए चार्ट मैच हुआ तो दिख गया था, क्योंकि चार्ट इसके बैकग्राउंड में है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइटल नेम में अगर इसको तो टाइटल तो अलग चीज होगी ना, समझे? टाइटल हो गई कि आपको कर्सर जाते तो उसका टाइटल दिख जाएगा, डाल दें ऐसे। ओके तो आपको उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक मतलब कि खोलने मतलब नहीं समझे आपको, आपको 10 फाइलें हैं, अब 10 फाइलों में है। क्या हाँ है कि आप जो डेटा चाहते हैं वो डेटा किस फाइल में सेव किया था आपने, जी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके 10ों फाइल को ओपन करना पड़ेगा। जी हाँ तो एक एक करके 10ों फाइल को हम ओपन ना करके, हम अगर हर जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है उसमें हम अगर टैग लाइन पहले शुरुआती में डाल दिए होते तो हमें जस्ट उस पर कर्सर लेना क्या? जैसे मुझे पता खर्च करना है कि 26 तारीख की मेरी कौन सी फाइल बनी हुई है, तो आप कर्सर रखेंगे तो उसका डेट दिख जाएगा, दिख गया कि 18/11 जी हुआ है, 11 को बना हुआ है, दिख रहा है ना सर? जी बना है ये आपका 6/11 का बना हुआ है, ये आपका 28/11 को बना हुआ है, समझ रहे हैं ना? 25 को बना हुआ है। जी तो इससे पता चल जाता है, ऐसे आपको यहां पे टाइटल भी दिख जाएगा। ओके मेरे मेरे सिस्टम में पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने विंडो जब अपडेट किया तब से नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें, बना दिख। ठीक तो टाइटल अपडेट कर सकते। दूसरा कि आप जरूरी नहीं है कि वहां पे देखिए फाइल अगर ओपन करते हैं और मुझे इस फाइल के बारे में कुछ जानना है, हमने कोई फाइल ओपन की, जैसे मैं मान लीजिए कि हमने इसी फाइल को ओपन किया है, रिपोर्ट है हमारा, इसी रिपोर्ट फाइल को हमने ओपन किया, क्या है कि मैं इस फाइल के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं इसके इन्फो में जाऊंगा तो मुझे इस फाइल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या है टाइटल कोई है या नहीं है, मॉडिफाई टाइटल मतलब कोई एडिशनल नोट छोड़ सकते हैं, इसका ऑथर क्या है, यहाँ पे ऑथर दिख रहा है आपको, इस फाइल को जी बनाया जिनो दी कोला ने और जी हमने लास्ट में मैंने मॉडिफाई किया, तो इससे ही पता चल जाता है कि भाई फाइल एक्चुअली बनाया किसने है और किसने इसको काम किया है। तो अगर ये पर्सन डायरेक्ट फाइल को अपने बॉस को भेजेगा, बोलेगा बॉस देखिए मैं फाइल बना लिया, तो अगर बॉस मेरे ऐसे चलाक होगा तो तुरंत कि फाइल पे इसने ही काम किया है, किसी और ने भी काम किया है, तुरंत पूछ देगा कि एक्सेल एक्सपर्ट से मदद ली है ना बनाने के लिए, समझे कि नहीं? जी हाँ, इसमें अब इसमें बता दें कौन कौन सी प्रोडक्ट है, चेक फॉर इशू, कोई इशू है कि नहीं है, नहीं इसमें कोई इशू नहीं है, वगैरह वगैरह, वर्जन वर्जन हिस्ट्री कौन सा है, ऐसा तो नहीं है कि इसको 2003 पे था फिर 7 पे कन्वर्ट किया गया है, कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये आप इन्फो में जाके देख सकते हैं, फाइल की लोकेशन, फाइल की लोकेशन कॉपी चाहते हैं या फाइल इसको शेयर करना चाहते हैं वन ड्राइव पे एज ए पीडीएफ या एक्सेल अटैचमेंट, जी इन्फो में होता है। बाकी सेव तो आपको पता ही है, हम फाइल को सेव करते हैं और सेवेज भी आपको पता ही है, लेकिन सेवेज करते समय एक चीज बताऊंगा जी आपको कि आपका यहाँ पे डिफॉल्ट जो सेव लोकेशन होता है वो होता है एक्सेल वर्कबुक, राइट? सेव टाइप, सॉरी, हाँ
तो याद रखिए, कोई भी आप अगर इस एक्सेल वर्कबुक में आप कोई माइक्रो कंटेंट वाली फाइल को मत सेव कीजिएगा। किसी फाइल में अगर आपको माइक्रो वगैरह लगा है तो आपको इसमें मत सेव कीजिएगा। ऐसा ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने माइक्रो वाली फाइल को सेव कर दिया तो ये जो है एक्सेल वर्कबुक माइक्रो कंटेंट को कैरी नहीं करता है, ओके तो आपके सारे माइक्रो को डिसेबल कर देगा। ओके ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते किस पे हैं। करना आपको पड़ता है सेव फिर करना हमें है एक्सेल ओपन वाले। वर्कबुक अच्छा में, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक। उसमें करना पड़ेगा कोई हाँ, अपने मैक्रो वाली माइक्रो हो तो। कंटेंट फाइल को एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कीजिए। ओके क्लियर ओके है? बाकी प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट नॉर्मल है, अकाउंट है आपका। इसमें नेक्स्ट आता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है, देखिए एक्सेल की जो सेटिंग, वो सेटिंग को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बोले सर आप मुझे दूसरी क्लास में एक्सेल की सेटिंग चेंज करना क्यों सिखा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई नई चीज लेते हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे कि आप नया फोन खरीदते हैं, नया सिस्टम खरीदते हैं, तो उसकी चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना। तो ऐसे भी हम, हमारे पास जो एक्सेल है बिल्कुल नया है, इसको भी मुझे अपने सेट करना होगा। ओके तो कैसे सेट करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेल की जो फाइल है उसमें हम आते हैं ऑप्शन में, सबसे पहले जनरल। ठीक है ना, अब इसमें एक यहां जो ऑप्शंस में गया ना अभी क्या सर, फाइल मेन्यू में ऑप्शंस में गया अपने ना। एक्सेल ऑफ, हाँ यहाँ फाइल मेनू बार में सबसे नीचे लॉग। ठीक है, जी और इस ऑप्शन पे जब हम आते हैं तो यहां पे देखिए अनेबल लाइव प्रीव्यू लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अब ये क्या करता है पता है आपको? जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कलर अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप कलर पे कर्सर लेके जाते हैं, कलर ही नहीं और भी बहुत फॉर्मेटिंग टूल्स की बात हो रही है, तो आप जी लाइव प्रीव्यू दिखा देते हैं कि क्या चेंज होने वाला है। ओके हाँ लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन में अनचेक कर दिया, किसी ने या किया हुआ है आपका डिफॉल्ट, अप्लाई करने के बाद दिखेगा कि क्या कलर है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। समझे कि नहीं सर इसको? जी जी हाँ उसको अनेबल करके अनेबल करना चाहिए, उसे टिक मार्क करना चाहिए, नहीं हाँ दिक्कत हो सकती है। डिजेबल करेंगे तो वो इंस्टेंट नहीं दिखाएगा जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखेगा ऐसे है ना। हाँ, दूसरा आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो मुझे इसका स्क्रीन टिप्स दिख जाता है, दिख रहा है? तो अब हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेते थे तो हम चाहते थे कि कोई इसको ना देख सक पाए, क्योंकि कोई तुक्का ना लगा पाए, उसका नहीं समय मिलना चाहिए, तो मुझे इसको हटाना है। दूसरा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ देखिएगा डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर देंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा आपका डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है, लेकिन मेरा डिफॉल्ट एरियल है। तो जी क्यों? क्योंकि आप अगर फॉन्ट, मान लीजिए कि डिफॉल्ट कोई और सेट है और आप कोई और फॉन्ट यूज करते हैं, तो हर बार आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना, जी हाँ हर फाइल में, हर बार, हर सेल में। ओके तो यहां पे आप एरियल की जगह पे अपना फॉन्ट डाल दीजिए जो आप यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक यूपी में
सिंचाई विभाग में गया था, ठीक है, तो वहां पे हमने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में होती है। उन्होंने बताया कि सर हमारा काम हिंदी में टाइप करने का होता है, हमारा मोस्टली जो लेटर हिंदी में टाइप होता है, बहुत कम करते हैं। तो मुझे हर जाके हमें हिंदी को सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसा कोई तरीका बताइए कि हमारा हिंदी में टाइप ना करना पड़े, मतलब हाँ हिंदी में टाइप करें लेकिन हमें बार बार चेंज ना करना पड़े, तो हम यहां कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक क्लियर है। ऐसी फॉन्ट की साइज, व्यू और नंबर ऑफ सीट कितना हो, तीन या एक होता है, आप बढ़ा और घटा सकते हैं। दूसरा, ऑथर नेम, अभी आपने देखा एक फाइल को खोल के दिखाया था मैंने, जिसे पता चल गया था कि इस फाइल पे अकेले उन्होंने काम नहीं किया है, किसी और ने भी काम किया है। जी हाँ जैसे कि रात में एक थे हमारे ऑस्ट्रेलिया से थे, उनको ऑफिस में कोई फाइल सबमिट करना था, मैं हमारे पुराने स्टूडेंट थे और जी फाइल पे उन्होंने कहा कि सर कर दीजिए प्लीज प्लीज, तो हमने कर दिया, बॉस को दिए होंगे, जी तो उनका कोई अप्रेजल वगैरह सबमिट करना था, तो बॉस वो सीट देख के बता देंगे नहीं 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 इसने तो नहीं बनाया फाइल को, क्या। जी तो यहां पे जो ऑथर नेम होता है बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम होता है, ओके कंप्यूटर अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अब यहाँ पे एडमिन वन वन टू थ्री ऐसे होगा, तो आप यहां से अपना ऑथर चेंज कर सकते ओके हैं, हर फाइल में वही आएगा जो बन चुका है उसमें नहीं, जो बनेगा उसमें। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस का थीम अभी कलरफुल है ना, मैं यहां से अगर डार्क ग्रे कर देता हूँ तो देखिए मेरा ऑफिस डार्क ग्रे हो जाएगा। मैं अगर ब्लैक करना चाहूँ, अब ब्लैक कर दिया एंड ओके, तो सारा ब्लैक हो गया। अब यहीं पे आप जो है व्हाइट करिएगा तो व्हाइट हो जाए, ठीक है। जी क्लियर जी है, यहां पे आप कलरफुल करना चाहे तो कलरफुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कलरफुल कर दिया तो आप कलरफुल है। तीन चीजें हम यहाँ पे करते हैं, तो आप जो है बाकी की भी सेटिंग हमारी है एक बार अपने हिसाब से आप देख लें, फिर हम बाकी की सारी सेटिंग्स आपको करा देंगे, ठीक है। उसके अलावा ओके फाइल बार में मोस्टली सारी चीज तो आपको आती है, फिर भी कोई लगा ऑप्शन कि आपको नहीं आता हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी हम आपको कल कवर कर देंगे, ठीक ठीक है। और जी जी क्लियर सर, क्लियर और अभी मैं स्लोली लेके चल रहा हूँ क्लास को, फिर धीरे धीरे फास्ट जी पढ़ने की हैबिट नहीं है ना सर, इसलिए एक हवे ज्यादा पाऊंगा सर।